आचार्य चाणक्य जी ने चाणक्य नीति के तौर पर मानवता को ढेरों उपहार दिए हैं, जिसमें जीवन को सुख और शांति से जीने के तरीके बताए गए हैं, जिससे हम अपने जीवन को अत्यंत सफल बना सकते हैं। चाणक्य नीति से मानवता को व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त होती है। आचार्य चाणक्य एक महान व्यक्ति थे जिनकी ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी, जिन्होंने अपने ज्ञान के दम पर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। आइए जानते हैं चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियाँ जो हमें जीवन के हरेक मोड़ पर काम आती है। हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों आप सभी का स्पिरिचुअल मोटिवेशन में। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया उपलब्धि करना चाहते हैं, धार्मिक कथाओं से अवगत होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में सकुशल रहना चाहते हैं, साथ ही आपका मन साफ रहे ऐसा चाहते हैं, तो औरत की इन चीजों को भूल से भी कभी मत देखना। अगर आप इन बातों को नहीं मानेंगे तो मृत्यु के बहुत करीब चले जाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारतवर्ष में आचार्य चाणक्य जी को प्रमुख एवं महान विद्वान माने जाते हैं। चाणक्य नीति के वचन हमारे जीवन में सदैव ही काम आते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार आचार्य चाणक्य जी को बेहद आदर के दृष्टिकोण से देखा जाता है। चाणक्य ने न सिर्फ राजनीति बल्कि नैतिक जीवन को लेकर भी महत्वपूर्ण युक्तियाँ दी है, जिनका पालन करने से व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आचार्य चाणक्य जी के अनुसार क्या आप इस बात से अवगत हैं कि जो पुरुष महिला के इस अंग को देख लेता है वो पुरुष मृत्यु के करीब पहुंच जाता है। शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग पापी कहलाते हैं। ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं कि औरतों में वो चीज क्या है जिसे पुरुषों द्वारा देखने पर तुरंत आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहली बात, शास्त्रों अनुसार जो पुरुष किसी माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए देखता है और उसके मन में अगर गलत भावना आ जाती है तो ऐसा व्यक्ति पाप का भागीदार बन जाता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जो व्यक्ति महिलाओं के प्रति गलत भावना रखता है ऐसा व्यक्ति स्वयं ही अपने मृत्यु का कारण बनता है। शास्त्रों में ऐसे व्यक्तियों को अलग से दंड देने का प्रावधान है। दूसरी बात, चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी व्यक्ति को छुपकर किसी भी महिला को नहाते हुए नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को घोर पाप लगता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, किसी भी महिला को छुपकर नहाते हुए देखना सबसे महापाप माना जाता है, इसीलिए पुरुष ऐसी गलती कभी ना करें, अन्यथा अपनी मौत का कारण आप खुद बन सकते हैं। तीसरी बात, औरतों के स्तन। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी पुरुष को गैर महिला के स्तन को कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पुरुषों का पालन पोषण यहीं से होता है, और अगर आप ऐसे में यह गलती करेंगे तो घोर पाप माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा पाप करने वाला व्यक्ति दोबारा मनुष्य के रूप में जन्म नहीं लेता है, इसीलिए इन पापों से बचने के लिए आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, साथ ही ज्ञानवर्धक बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।